सो जस्ट गॉट फ्री, अभी निकले हैं, निकली हूँ मैं. इट वॉज फन, बहुत मस्त खाना था कुरु पे, और अब जाना एक बार फिर से बनता है. इट वॉज वेरी नाइस सम्पशुअस लंच पूरे टीम के साथ. एंटायर टीम वॉज सो हैप्पी, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था व्हेन एवरीवन वाज कमिंग एंड सेइंग थैंक यू हनी. गीता इज वन ऑफ माय कोलीग, शी इज द फन इन एलडी लीड. सो या मी एंड हर, वी बोथ प्लान फन इवेंट्स फॉर आवर आवर एंटायर टीम, बैंगलोर टीम के लिए. हम लोग एक्चुअली हम पूरी एलडी टीम के लिए करते हैं, और कभी लंच वगैरह होता है बैंगलोर टीम के लिए तो वो हम प्लान करते हैं. सो यस, पूरी टीम तो आगे हमेशा बोलती है बिकॉज ऑफ द इवेंट्स जो हम लोग प्लान करते हैं पूरी टीम के लिए, बट लंच पे आज सब खुश होके गए. इवन द लीडरशिप, यू नो, माय मैनेजर, माय मैनेजर्स मैनेजर, दे वर आल्सो वेरी हैप्पी. सो कितना अच्छा लगता है ना जब तुम, यू नो, यू ब्रिंग स्माइल्स ऑन पीपल्स फेस एंड यू आर द रीजन व्हाई, यू नो, पीपल आर हैप्पी. सब लोग इतने अच्छे से खा रहे थे, एंड वी हैड अ लिटिल केक सरप्राइज दैट वी हैड प्लान्ड फॉर देम, एंड वो बहुत यमी केक था. आई कुड नॉट टेक मच पिक्चर्स अपनी, लेकिन मैंने टीम की पिक्चर्स ली, वो मैं पोस्ट नहीं कर सकती, यू नो, बिकॉज ऑफ वट एवर प्राइवेसी रीजंस. बट यस, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया आज. इट वॉज अ डे वेल स्पेंट, अ फ्राइडे वेल स्पेंट टूडे. सो आई एम गोइंग बैक होम, एंड यस, दिस इज इट. मस्त, आई लव इट. आई लव इट, लव इट, लव इट, लव इट. हेलो. सो ड्राइव करते करते कभी हैज एनीवन ट्राइड टॉकिंग टू द ट्रीज, टॉकिंग टू द प्लांट्स, और टू द और विद द रोड? हम यूजुअली अपने ख्यालों में इतने ज्यादा मस्त होते हैं, इतने ज्यादा, यू नो, उलझे हुए होते हैं कि हम जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो नेचुरल लैंडस्केप होता है हमारे रास्ते का, हम उसको ध्यान में नहीं देते. कभी हम सॉन्ग्स सुन रहे होते हैं, कभी हम अपने ही परेशानियों में और अपने ही ख्यालों में गुम होते हैं. आई डोंट नो हाउ मच इट रेजोनेट्स विद एनीवन हु इज लिसनिंग, बट ट्राई डूइंग दिस. मैं कभी भी, जब भी मैं ड्राइव कर रही होती हूँ मॉर्निंग में, तो हमेशा मैं, नो, आई हैव अ प्लेलिस्ट मेरे पार्ट की, जो मेरा डेली पार्ट होता है, जो मैं हमेशा प्ले करती हूँ, यू नो, इट गिव्स मी सैनिटी. ओके, और आफ्टरनून में जब मैं कभी ड्राइव करके वापस आ रही होती हूँ, तो मेरे प्लेलिस्ट में हमेशा या तो रेडियो चल रहा होता है यूजुअली, बिकॉज यू नो यू गेट टू नो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना, या फिर मेरी स्पॉटिफाई की कोई ना कोई लिस्ट चल रही होती है, मेरे सॉन्ग्स जो भी मुझे पसंद होते हैं, कभी पुराने कभी नए, या उस दिन जो भी, यू नो, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, व्हाटएवर. सो बट इवन आफ्टर दैट, आफ्टर द सॉन्ग्स ऑल्सो, मैं आई मेक इट मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू लुक एट ईच ट्री, ईच प्लांट, एंड इट्स सो मेडिटेटिव, यू नो. मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइविंग भी एक मेडिटेटिव एक्टिविटी हो सकती है, प्रोवाइडेड यू आर पेइंग अटेंशन टू the road, the scenery and the changing scenery and everything like that. So बहुत फर्क पड़ता है ये इस चीज का. कई बार हमारी माइंड क्लियर हो जाता है, यू नो, when we are paying attention to the, okay, let, पीछे मेरे को हॉर्न मिल रहा है बहुत, पीछे there is a bus coming और उसको आगे जाना है, let me give him a baby. आगे कैसे जाएगा भाई, आगे भी दो गाड़ियां इतनी धीरे धीरे चल रही हैं, मेरी गलती थोड़ी ना है. सो यस,
ये बहुत मेडिटेटिव प्रोसेस होता है ड्राइव करते वक्त, ट्रीज को देखना, ट्रीज की शेप को देखना, यू नो यू विल बी एस्टोनिश टू सी कई ट्रीज में, यू नो यू विल सी हार्ट. और मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी में तो एक सच्ची में एक ऐसा ट्री है जिसका शेप हार्ट हो गया. मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज में हार्ट देखना शुरू कर देती हूँ यार, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है. इवन इफ नॉट यू नो कलर्स, जैसे अभी धूप पड़ रही है, अभी ऑलमोस्ट इट्स इवनिंग, 5 o'clock हो रही है और थोड़ी थोड़ी धूप पड़ रही है पौधों पे भी, प्लांट्स पे भी और ट्रीज पे भी. सो बहुत अच्छा सा यू नो शेड आ रहा है ट्रीज के ऊपर, ग्रास के ऊपर बहुत अच्छा सा शेड आ रहा है. आई शो तो ट्राई डूइंग दिस यार. कई बार हमारी डे टू डे परेशानियों से हम इसी तरीके से यू नो बाहर निकल जाते हैं जब हम वी स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द डे, द टाइम, द मोमेंट. एंड मेडिटेशन में भी तो ऐसे ही कहते हैं कि बी हेयर नाउ, यू नो चाहे एकाध टोले है, चाहे कोई भी है, हूसोएवर टीचेस द मेडिटेशन, दे ओनली से कि अरे भाई, दे ओनली से दैट बी हेयर नाउ, बी हेयर नाउ. सो बी हेयर नाउ का मतलब क्या होता है? जो काम कर रहे हो उसको उसमें ध्यान लगाओ. अगर ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करो, रोड को देखो, रोड की सीनरी बदलती हुई देखो, आसमान के कलर्स बदलते हुए देखो और ट्रीज को देखो, ट्रीज के ऊपर जो शेड पड़ रहा है धूप का वो देखो. एंड अपने आप ही मेडिटेशन हो गई. एंड सम हाउ आई थिंक हमारी जनरेशन में यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई यू नो वी आर प्रोन टू मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज, बिकॉज वी बॉम्बार्ड आवर सेल्फ विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन. कितनी, एक तो इन्फॉर्मेशन इज सो हैंडी, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एटलीस्ट इन इंडिया इट इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. अपने इंटरनेट लगा लिया तो उसके बाद पूरा महीने का अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन है और उसके बाद कुछ भी देखते रहो. और कई बार पीपल कंज्यूम इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड फॉर देम. सो इतना ओवरलोड होता है जो इन्फॉर्मेशन का, उसको कैसे क्लियर करो, उसको कैसे डिटॉक्सिफाई करो. तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि ट्राई टू बी हेयर नाउ. बी हेयर नाउ मतलब जहां हो वहां के ट्रीज देखो, ऐसे जहां हो वहां की सीनरी देखो, वहां का क्या कहते हैं पीपल का ट्री देखो, मेरा फेवरेट, और वहां का सब कुछ देखो, यानी वहां की सीनरी को बेसिकली इंजॉय करो. और ये बहुत बहुत हेल्प करता है बेसिकली फॉर डिटॉक्सिफाइंग आवर माइंड विद सो मेनी थॉट्स जो हमारे दिमाग में हमेशा घर करे रखते हैं. और एक रास्ता, और मैं यू नो कई बार मैं ऐसा रास्ता, इनफैक्ट मोस्टली ऐसा रास्ते लेती हूँ जो बिल्कुल खाली होते हैं लाइक दिस, और उन पे ड्राइव करना कितना मजा आता है. यू नो पूरा रास्ता हो, सिर्फ पेड़ हो, छोटा सा जंगल हो, बट अभी यू नो जब हम यहाँ पे आए थे इस जगह पे सारे ट्रीज होते थे, जैसे यहाँ पे भरे पड़े हैं ना, ये सारे ट्रीज होते थे, पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई. सो इन्हीं को देखते हुए यू नो यू डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ. धीरे धीरे गाड़ी चलाओ. और इसको कहते हैं रोमांसिंग विद द रोड, रोमांसिंग विद द नेचर. और इट गोज अ लॉन्ग वे मैन, इट गोज अ लॉन्ग वे. कितना अच्छा लगता है व्हेन यू आर रोमांसिंग विद द नेचर, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू नो व्हेन यू आर हैविंग अ टॉक विद योरसेल्फ अमिडस्ट द नेचर while driving or while doing anything that you love to do. So हाँ, ये चीज़ें बहुत काम करती हैं. जैसे मुझे इतनी अच्छी लगती है ना ये सीनरी, मैं जब होता है एवरी टाइम आई पास फ्रॉम हियर ना, आई हैव सो मैनी रिकॉर्डिंग्स. कई बार तो मैं इन रिकॉर्डिंग्स को यू नो डिलीट करती हूँ, आई डिलीट देम. ये देखो एक कितना अच्छा ट्री है. समटाइम्स आई डिलीट देम बिकॉज इतनी सारी एक जैसी हैं, यू नो सीनरी एक जैसी. वो
सो हाँ, ये चीज करके देखिए, और इफ यू स्टम्बल अपॉन दिस वीडियो यू विल लव इट, यू विल एटलीस्ट गेट टू नो हाउ यू कैन डिटॉक्सिफाई योर सेल्फ. मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब भी धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, लेकिन वो होना चाहिए मौसम अच्छा, या फिर रूट अच्छा होना चाहिए ऑब्वियसली. धीरे धीरे गाड़ी चलाओ और अच्छा अच्छा बातें करो. सो यस, दिस इज इट. ऑलमोस्ट घर के नजदीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. अब इतना खाना खा लिया ना आज, इतना ज्यादा, इट वॉज वेरी सम्पशुअस फूड. अब मेरे को नींद आ रही है, लेकिन घर जाके लॉग इन करना है. सो यस, ये चीज है. चलो विद दैट, हियर इज दिस लवली फ्राइडे इवनिंग फ्रॉम बैंगलोर. से बाय बाय टू डियर सन. सूर्य भगवान जी चमक रहे हैं ऑलमोस्ट 5 o'clock पे. सो हाँ, अच्छा लगता है यार इवनिंग में जब सूर्य भगवान जी के दर्शन हो जाएं सनसेट के टाइम पे. चलो, हेज टू अनदर फ्राइडे वेल स्पेंट एंड होपिंग फॉर अ गुड 2023. फिर से एक नया साल, फिर से नए इवेंट्स, फिर से फन फन फ्राइडेज और फन इवेंट्स, फन वीक्स के कैलेंडर. पहला एक महीना तो बस यही चलेगा. क्या 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 इवेंट्स होने चाहिए, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, पूरे साल क्या करना है, क्वार्टर्स में क्या करना है, थिंग्स लाइक दैट. फिर धीरे धीरे अप्रैल तक आके ना सब कुछ वो हो जाता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है, यू नो योर एंटायर प्लान. हमारा फन का भी कैलेंडर बनता है, पता है, हम लोग अपना फन इवेंट्स का भी कैलेंडर बनाते हैं. इट्स वन ऑफ द इनिशिएटिव, इट्स वन ऑफ द KRA, यू नो. सो यस, जो हमने अपने आप ही अपने सर पे ले लिया, इट वॉज नॉट अ KRA, बट हमने खुद ही यू नो स्टार्ट करके स्टार्टेड व्हेन कोविड बहुत पीक पे था, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड ऑल. सो हमने उस तरीके से स्टार्ट किया था, बट देन We have become a big team. जो एक छोटा सा यू नो हैशटैग से शुरू किया था मैंने. फर्स्ट टाइम मैंने हैशटैग डाला था आज, यू नो दिस इज व्हाट आई कुक्ड टुडे. सो वो इतना सुपर हिट हुआ. फिर एक बार थैंकफुल थर्सडे का हैशटैग डाला, वो सुपर हिट हुआ. उसके बाद तो बस यू नो आई वॉज असाइंड ओनली फॉर द फन इवेंट्स एंड ऑल. साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे. साडे नाल ओ ओ साडे नाल ओ ओ साडे नाल. लेट अस मैं ये करती हूँ यार, आगे से हर रोज जब मैं वीडियो एंड किया करूंगी ना, कोई गाना गाने से एंड किया करूंगी. जैसे वो था ना हम पांच में, वो जब दरवाजा खोलती थी गाने से खोलती थी. एक्चुअली मेरा आज सुबह भी मन कर रहा था, आज सुबह एक सॉन्ग वॉज गेटिंग प्लेड ऑन रेडियो, तो इंग्लिश का वो सॉन्ग आया. ओके, गो एंड लिसन, मैं लिंक्स डालूंगी. ठीक है, मैं आगे से यही करती हूँ अपने वीडियोज में, जो मेरे को सॉन्ग्स याद आ रहे हैं वो मैं आई विल एड. सो मॉर्निंग में वो गाना आता है, सिसिलिया, यू ब्रेक इन माई हार्ट, यू शेक इन माई कम. I'm down on my knees, I'm begging you please to come home. ऐसे ही था सॉन्ग, बहुत डांस किया यार मैंने इस गाने पे, बहुत डांस किया. काश यू नो इस बार मैं जाऊंगी ना दिल्ली, मैं देखूंगी अगर मेरे शादी की जो CD है वो वाली, कौन सी मेहंदी की रात वाली, उसमें मेरा डांस है मेरे ब्रदर के साथ, मेरी कजन के साथ सिसिलिया पे. आई विल सी, अगर वो CD मिल जाए तो मैं आई विल पोस्ट इट. बहुत मजेदार है, कितना डांस किया था यार, सारे कजन मिल गए थे. ओके, सो मेरा घर आ गया है, अब मैं
रखती हूँ. इट्स गोपी साइनिंग ऑफ ऑन अ लवली फ्राइडे इवनिंग इन बैंगलोर. इट्स 16th December 2022. टूडल्स.